अगर आप एक डॉग लवर हैं और अपने घर के लिए एक वफादार साथी लाना चाहते हैं और किसी दो नस्लों के बीच कंफ्यूज हैं, तो आप हमारे चैनल पर वर्सेस सीरीज देख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देगा। आज इस वीडियो में हम दो एपिक डॉग ब्रीड्स को कंपेयर करने वाले हैं जो शायद अपना एक खास फैन बेस बनाकर रखे हुए हैं और वो अपने एटीट्यूड और लुक्स के कारण बने हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम बना रहे हैं। रियल टाइम इवेंट्स कुछ अलग हो सकते हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉबरमैन वर्सेस रॉटवाइलर। डॉबरमैन एक अलर्ट, लॉयल और फियरलेस डॉग होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है। डॉबरमैन AKC के हिसाब से 5-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड कहा गया है। वहीं रॉटवाइलर लॉयल, लविंग, कॉन्फिडेंट और गार्डियन होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन भी जर्मनी से ही है। रॉटवाइलर AKC के हिसाब से 5-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड इन नेचर भी है। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल को लोगों तक आसानी से पहुंचा देती है और लोग उस नस्ल को आसानी से जान पाते हैं। रॉटवाइलर 8th मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है, वहीं डॉबरमैन 16th मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। रैंक में सीधा रॉटवाइलर आगे निकल जाता है। टोटल अटैक्स। डॉबरमैन अपने टेम्परामेंट को लेकर ज्यादातर कूल देखे जा सकते हैं। 2005 से 2007 के बीच डॉबरमैन ने 6 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 10 पर आता है। वहीं रॉटवाइलर अपने एग्रेसिव टेम्परामेंट को लेकर जाने जाते हैं। 2005 से 2007 तक रॉटवाइलर ने 45 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 2 पर आता है। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। डॉबरमैन एक लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 228 PSI तक जनरेट कर पाता है। वहीं रॉटवाइलर भी एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड होने के साथ 328 PSI तक जनरेट कर लेता है और ये बात इस नस्ल को टॉप 10 लिस्ट में जगह देती है। हमने डॉग बाइट फोर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। एनर्जी लेवल। डॉबरमैन वर्किंग डॉग होने के साथ हाईली एनर्जेटिक ब्रीड है जिसे AKC के हिसाब से एनर्जी लेवल में 5-स्टार रेटिंग मिला है। वहीं रॉटवाइलर भी वर्किंग डॉग ब्रीड है मगर हैवी वेट होने के कारण डॉबरमैन से कम एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और AKC के हिसाब से एनर्जी लेवल में इसे 3-स्टार रेटिंग मिला है। विद स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। डॉबरमैन स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते हैं और बच्चों के साथ ठीक तरह से रह लेते हैं। वहीं रॉटवाइलर भी अलर्ट होते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, मगर बच्चों के साथ इन्हें कम ही रहने की सलाह दी जाती है। वैसे ये दोनों ही ब्रीड लार्ज साइज ब्रीड हैं, तो बच्चों के साथ रखते समय इन पर नजर रखना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि इनके बड़ा आकार का शरीर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। एक डॉग हमेशा अपनी समझ से अलग पहचान बनाता है ताकि जिस काम के लिए उसे पहचान मिली है वो उसे पूरा कर सके। 2022 की रैंकिंग के हिसाब से रॉटवाइलर 9th इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और AKC के हिसाब से लाइफ स्पैन 9 से लेकर 10 साल होता है। वहीं डॉबरमैन 2022 की रैंकिंग के हिसाब से 5th इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और इसी के साथ AKC के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 साल होता है। साइज एंड वेट। रॉटवाइलर की हाइट 24-27 इंचेस तक होती है और इसका वजन 40-60 kg तक हो सकता है और ये लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। वहीं डॉबरमैन की हाइट 26-28 inches तक होती है और इसका वजन 35-45 kg तक हो सकता है और ये भी लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। वैसे इन दोनों ही ब्रीड्स को रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि इनकी एनर्जी ठीक तरह से चैनलाइज हो सके, वरना ये किसी भी डॉग ओनर के लिए अच्छी बात नहीं होगी और इनका एग्रेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको फिर से याद दिला दें, ये वीडियो स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर बनी हुई है, रियल टाइम इवेंट्स कुछ और हो सकते हैं, तो आपकी जो भी पर्सनल राय हो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।